हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद ना मेरा व्लॉग आ रहा है, और व्लॉग में मैं आपको क्या ही दिखाऊं, क्योंकि भाई मैं करती रहती हूँ सिलाई, तो भगवान जी की ड्रेस भी सिलती हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप सभी को सपोर्ट कीजिए, करते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, यानी कि जो भाई लखपति है, करोड़पति है, जो वीडियो बनाते हैं सभी को लाइक और सपोर्ट करते हैं। आप हमको भी सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, हमारे यहाँ ना घिया की बेल बूरी है, देखिए इतनी बड़ी हो गई है। देखिए हमारा पूरा आंगन, इधर ना घास जम गई और कपड़े सूख रहे हैं। ये देखिए, तो गाइस मैं दिखाने वाली हूँ आपको, क्योंकि भाई मैंने गोपाली की कुछ ड्रेस बनाई है और कहाँ मैं सिलाई करती हूँ। आइए मैं दिखा देती हूँ आपको आज। तो देखिए गाइस, ये रखी मेरी मशीन, ये देखिए यहाँ पर मशीन रखी है और कुछ सिलाई का सामान मैंने ड्रेसिंग में रखा हुआ है, और ये पड़ा। तो सिलाई करते समय बहुत सारा सामान फैल जाता है। तो देखिए, मैंने कई सारे ड्रेस बनाई हैं। ये अपने लड्डू बाबू के लिए बनाई हैं, हरियाली तीज पर लड्डू गोपाल जी के लिए और लाडली के लिए और बाबू के लिए, जो हमारे छोटे वाले लड्डू बाबू हैं उनके लिए। देखिए मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी सी हरियाली तीज पर ड्रेस बनाई है, और इसमें मैंने अरकंडी का जो अस्तर होता है ना, वो वाला यूज किया है। बहुत ही अच्छी ड्रेस बनी है। तो एक ड्रेस मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए ये नेट के फैब्रिक में ड्रेस है, ये भी बहुत प्यारी सी बनी है। हरियाली तीज के लिए ही ये ड्रेस मैंने बनाई है। इसकी मैंने जो है ना चोली अलग से बनाई हुई है, ये देखिए ये चोली अलग से बनाई है। ये आप कितने बड़े भी लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं और कितने छोटे को भी पहना सकते हैं। तो जैसे ड्रेस हमारी है ये वाली, ये 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर तक को आ जाएगी। तो डायमीटर जो है ना इसका थोड़ा ये चौड़ाई में छोटी रह सकती है, अदरवाइज यानी कि जो कमर की गोलाई है ना उसमें बिल्कुल भी छोटी नहीं रहेगी। और एक ड्रेस ये बनाई है, एक नए ड्रेस तो मैंने कई सारी बनाई है, इसमें इस कलर की लेस यूज की है, और इसमें मैंने यहाँ पर गोटा पट्टी की जो लेस होती है वो वाली लगाई है। ये वाले छोटे गोपाल जी के हैं, आप 2-3 नंबर को पहना सकते हो। और एक ये वाली देखिए, इसमें मैंने चोली जो है ना अंदर से अटैच की हुई है, ये वाली भी बहुत अच्छी लग रही है। ये मैंने नेट के फैब्रिक में बनाई है, और ये देखिए ये जो मैंने लेस लगाई हुई है ये बहुत सुंदर लग रही है ग्रीन कलर पर, और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनी है। ये गोल सर्कल में बनी हुई है, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस मैंने बनाई हुई है। अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी लेस है, बहुत ही सुंदर सी। ये जब मैंने सबसे पहले ड्रेस बनाई थी अपने लड्डू गोपाल जी की और युगल सरकार की, तो इस तरह की लेस का यूज किया था। वो ड्रेस तो मैंने पता नहीं कहाँ पर दे दी। तो गाइज बहुत सारी लेस ला के रख रखी है मैंने, और पता नहीं चलता कि कौन सी लेस किस, यानी कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में मैं लगा दूँ। तो एक ही छोटी यानी कि 2-2 नंबर के गोपाल जी की ये ड्रेस बना रही हूँ, इसमें अभी चोली अटैच नहीं की है और इसमें किसी अस्तर का भी यूज नहीं किया है, ये कॉटन के फैब्रिक की ड्रेस है। तो भाई आपसे हम चाहते हैं थोड़ी सपोर्ट, तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर भेड़ थोड़े भी बढ़िया लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना। तो फिर मिलेंगे नई एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। राधे राधे, हरे कृष्णा।